धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी जंगीर सिंह गाब लोहा खेड़ा तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा से। कुल मालिक जी की अपार रहमत का वर्णन करता है। मैं हरियाणा बिजली बोर्ड में लाइनमैन हूँ। मैं हर महीने यूपी दरबार में सेवा पर जाता हूँ। 16/10/1988 की घटना है। उस दिन मैंने सत्संग पर जाना था, परंतु कुछ अति जरूरत कारणों से मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैं टोहाना के पास नांगला गांव में 11,000 वोल्टेज पर काम कर रहा था। खंभे की तार मेरे कंधे से छू गई और मेरे कपड़ों में आग लग गई, जिससे मैं बुरी तरह से जल गया और 18 फुट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। मेरे साथियों ने मुझे तुरंत अस्पताल में दाखिल करवा दिया और पूरे 2 दिन तक मैं बेहोश रहा। मेरा सारा शरीर बुरी तरह से जल चुका था। ऐसी हालत में मैं इतना तड़पता रहा कि मेरी हालत देखी नहीं जाती थी, जैसे बैंगन को भूनकर उसका छिलका ऊपर से उतार देते हैं, ऐसी हालत मेरी बनी हुई थी। जो जख्मों में जलन होती थी उसका कष्ट तो वर्णन से बाहर है। मेरा कोई पिछला भयानक कर्म था जिसका मुझे इतना घोर कष्ट सहन करना पड़ा। कई दिनों तक तो मैं इसी प्रकार जीवन व मौत के बीच लड़कता रहा, लेकिन सतगुरु तो अपने जीवों के सदा अंग संग रहता है। यदि काल कर्म ने मुझको कष्ट दिया तो सतगुरु दयाल मेरे लिए इलाज बना। सतगुरु जी ने प्रेमी परशोत्तम लाल जी टोहाना को मेरे स्वस्थ जीवन के लिए माध्यम बना दिया। प्रेमी परशोत्तम जी दरबार में आकर सेवादार प्रेमी जगदीश लाल फोरमैन से मिले। उन्होंने मेरे साथ हुई दुर्घटना तथा मेरी हालत के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि जंगीर सिंह की हालत पूरे खतरे में है। जगदीश सिंह ने अप्रोक्त सारी बात पूज्य परम पिता जी की पवित्र हजूरी में बयान कर दी। शहनशाह जी ने सत ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास जी को आदेश दिया लक्ष्मण प्रसाद लेकर आ। थोड़ी देर में ही लक्ष्मण दास जी ने सेब का प्रसाद लाकर शहनशाह जी की हजूरी में भेंट कर दिया। जीवन दान बख्शने वाले परम पिता जी ने सेब को अपने पवित्र कर कमलों में ले लिया और अपनी पावन दृष्टि डालते हुए प्रेमी जगदीश जी को दे दिया और वचन फरमाया, यह प्रसाद जंगीर सिंह को जाकर खिला देना। जगदीश जी ने कुल मालिक जी द्वारा प्रदान किया हुआ वह प्रसाद परशोत्तम लाल जी को सौंप दिया और इलाही वचन भी ज्यों के त्यों सुना दिए, यह प्रसाद आपने जाकर जंगीर सिंह को खिला देना है। प्रसाद क्या था, सचमुच उसमें जंगीर सिंह का जीवन था। ज्यों ही परशोत्तम लाल जी ने अस्पताल में जाकर मुझको प्रसाद खिलाया, उसी क्षण से ही मुझे शांति व ठंडक प्राप्त हुई। जख्मों में जलन होने से जो मैं इतना बेहाल था, कुल मालिक का प्रसाद अंदर जाते ही मुझे बेहद सुख प्राप्त हुआ। जहाँ तक कि मैं अपनी उस जबरदस्त तकलीफ को भी भूल गया, जबकि उससे पहले मेरी ऐसी अवस्था बनी हुई थी कि हर देखने वाला निराश था। सभी कहते थे कि इसका बचना बिल्कुल असंभव है, अगर बच भी गया तो कम से कम 1 वर्ष इसे ठीक होने में लग जाएगा। जहाँ तक कि मेरा इलाज कर रहे डॉक्टर भी मेरी शारीरिक अवस्था से संतुष्ट नहीं थे। कुल मालिक के प्रसाद तथा पवित्र आशीर्वाद से मेरी हालत में कुछ दिनों के अंदर ही इतना सुधार हो गया कि मैं अपने आप उठने बैठने व खाने पीने लग गया। मेरे परिवारजनों ने संगत के सहयोग से मुझे अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी। धन धन सतगुरु तेरा सियासरा। धन धन सतगुरु तेरा सियासरा।